हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 16। हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए देख रहे हैं, 19 के वीक के लिए। पूरा वीकली एनालिसिस आज बताऊंगा, डेली वीकली कैंडल्स के लिए दे बता के। आज काफी वोलाटाइल डे था, बट मार्केट ने रिस्पेक्ट किया मेरे लेवल्स को, जो लेवल्स मैंने बताया था आपको। मैंने कल भी आपको यहाँ पे बताया था कि मार्केट ने उस दिन जो बड़ी गिरावट आई थी, वहां पे एक डबल बॉटम उसने बनाया। यहाँ पे डबल बॉटम के बाद उसने एक फ्रेश बुलिश हरामी टाइप एक कैंडल बना और 2 डेज बैक टू बैक अपसाइड ही जा रहा। बट यहाँ पे मैंने एक बताया था कि ये रेजिस्टेंस हो सकता है अपसाइड में। ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल नहीं गया। देखो आप वीक देखो, सिर्फ एक वीक टच किया और कैंडल क्लोजिंग ये मदर कैंडल के इनसाइड में हुआ। मतलब इट्स अ ह्यूज वोलाटिलिटी बिटवीन द एक बिग कैंडल, कैंडल के अंदर ही वो कैंडल हो रही है। अगर आज का दिन अगर देखो तो बहुत ही ट्रेड करने के लिए बहुत डिफिकल्ट था। मतलब ट्रू एंड दोनों बाजू के स्टॉप लॉस हिंट प्रोसेस थे। स्टॉप लॉस जो हंट हो रहे थे बोथ साइड में, यहाँ पे क्या हुआ देखो, एक मैंने रेंज मार्क करके रखा था। ये आप अगर ऐसे देखोगे तो ये रेंज मैंने मार्क करके रखा था कल ही, ठीक है। ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है। इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये जो लेवल है, फिर वो डेली के बाद मैंने 3 मिनट्स में, क्योंकि ये लेवल इंपॉर्टेंट था। इंस्टेड ऑफ दैट लेवल मैंने और एक लेवल मार्क करके रखा था जो कि ये था, कल का जो क्लोजिंग था कल के कैंडल का, और उसको उसने उसको भी रिस्पेक्ट किया। ये जो लेवल था, ये कप एंड हैंडल टाइप ब्रेकआउट था ये, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके ये लेवल तक ही गया मार्केट, और उसके बाद पूरा साइडवेज था और एंड में एक डिप आ गया। मतलब एक जस्ट लाइक अ ट्रायंगल के फॉर्म में आप देख सकते हो। मतलब ट्रेडिंग करने लायक नहीं था आज का मार्केट जो भी कुछ था वो। ये कैंडल जैसे ही डाउन हुआ, वन कैन शॉर्ट, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था और यहाँ तक फिर से टारगेट आना था। अनप्रेडिक्टेबल था आज का मार्केट, कुछ था नहीं, या यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बना था। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर देखने अगर मैं जाऊँ तो सेम लेवल है। जब तक ये लेवल अगर तक ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है, अभी के लिए फिर मैं इंस्टेड ऑफ दिस लेवल में ये लेवल बोलता हूँ, 714,699। मतलब 14,700 के ऊपर जाएगा तो ही मार्केट बुलिश है, देन वी कैन सी अ रैली टिल 14,800 एंड मे बी 15,000 तक, ठीक है। गॉड नोज, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे कि ग्लोबल जो भी कुछ है, डाउ एवरीडे हायर हाई बना रहा है और अपना मार्केट कोरोना की वजह से सेंटिमेंटल वाइज नेगेटिव है। देखो ना, ये सेंटिमेंटली करेक्शन था, ये जितने भी करेक्शन है ये कोरोना की वजह से सेंट। और आज अभी जब भी करेक्शन आते हैं, आप अगर करेक्शन देखोगे तो वो करेक्शन बहुत बड़े होते हैं। मतलब एक ही दिन में 400-500 को, मतलब नॉर्मल ट्रेडर को मौका नहीं देता, और अपसाइड जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसको। देखो ना, ये अपसाइड जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और एक ही दिन में वो मार्केट गिव अप कर देता है। सेम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नियर टू हर्डल है। आई विल बी बुलिश ओनली व्हेन अगेन मंडे को या नेक्स्ट डे कभी भी अगर इसके ऊपर मार्केट जाता तो ही मैं बुलिश हो सकता हूँ, ठीक है, अदरवाइज। और बेरिश के लिए अभी इसके नीचे भी चल जाएगा मुझे ये लेवल, जब भी अभी क्रॉस होता है ये लेवल, तो वन कैन शॉर्ट टिल दिस पोजिशन। फुल बेरिश मैं अभी बोलूंगा कि जब भी मेरा 14,250 अगर ब्रेक होता है तो ही हम लोग फुल बेरिश बोलेंगे, अदरवाइज इट्स नॉट सो बुलिश। और ये साइडवेज मार्केट है तो मैं बोलूंगा कि सेफ ट्रेडर अगर साइड में रह के अगर वॉच करेंगे तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी। मतलब डेली अप एंड डाउन, गैप अप गैप डाउन विद ह्यूज साइडवेज वोलाटिलिटी बोथ द डायरेक्शन में। तो आई होप निफ्टी के लेवल्स पता चले गए। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, निफ्टी विल बी बुलिश ओनली व्हेन 14,700 क्रॉस अगर होता है तो मेरा 14,800 एंड 15,000 के लिए, ये दो टारगेट के लिए हम लोग बेट लगा सकते हैं, ठीक है। बट वो भी स्ट्रगल करके ही जाएगा क्योंकि उतना बड़ा स्ट्रेन नहीं दिख रहा है। बट डाउन साइड मुझे मूवमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी शॉर्टिंग मूवमेंट के लिए भी हम लोग ये लेवल देखेंगे, 14,570-580 डाउन साइड जब क्रॉस होगा देन वन कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन। इन बिटवीन नो ट्रेड जोन है ये, क्योंकि देखो ना, ये बहुत बार रिजेक्शन स्कैंडल्स यहाँ पे थे और वही आज का भी रिजेक्शन स्कैंडल्स वहां पे ही बने। ये जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये लेवल्स देखो ना, वो लेवल्स के बीच में ही है कैंडल, तो ये लेवल्स मार्क करके रखो, तो ये लेवल्स के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है, वन कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन टिल हियर, ठीक है, और इसके नीचे जाता है तो बहुत बड़ा बेरिश,
इसको अगर क्रॉस करके जाता है देन वन कैन बुक अ पोजिशन टिल 14,900 विल बी द फर्स्ट टारगेट. 800 तो पहला है ही यहाँ तक और 900 विल बी द सेकेंड है. दिस इज द प्राइस एक्शन. आज का अगर डेटा हुआ एनालिसिस अगर आपको बताओ तो साइडवेज था. देखो ना मतलब फुल टाइम मतलब बुलिश टू साइडवेज था. यहाँ पे तो पूरा फ्रेश शॉर्ट हो रहे थे, मतलब पूरा शॉर्टिंग का जमाना था, शॉर्ट करके लोग पैसा कमा रहे थे. यहाँ पे भी फ्रेश शॉर्ट हो रहे था आउट ऑफ द मनी में और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ एंड एंड में. अदरवाइज यहाँ पे भी फ्रेश शॉर्ट ही थे. आफ्टर 2:30 यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई. देखो ना ये सब शॉर्ट्स कवर हो गए थे. इन द मनी वाले जितने भी कॉल्स थे वो सारे कवर हो गए थे. और वैसे भी पीसीआर जो है वो 0.8 है, दैट इज नॉट अ डेली पीसीआर. अगर मैं देखू 0.8 दैट इज नॉट अ बुलिश. एक्चुअली ये साइडवेज टू बेरिश ट्रेंड है. देखो ना वीकली ट्रेंड तो मेरा बेरिश है. इंट्राडे ट्रेंड ट्रेंड माइट भी बुलिश होगा बट वीकली ट्रेंड मेरा बेरिश ही था. और ओआर डेटा सेंटिमेंटल वाइज भी आज अगर ट्रैकर देखने जाओ तो कुछ इतना कुछ था नहीं. मतलब पीसीआर मेरे साथ नहीं था. देखो पीसीआर जब भी वन होता है मुझे अवॉइड करना है ट्रेडिंग एट दैट टाइम, ठीक है. और आजकल ओआर डेटा उतना भी सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है. तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप पहले प्राइस एक्शन को वेटेज दो. प्राइस एक्शन के बाद आपके सेटअप के पास आओ. सेटअप के बाद आप ओआर डेटा एनालिसिस देखो. देन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और एनी टाइप ऑफ इंडिकेटर वन कैन टेक अ एंट्री इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स. ये इस तरीके से ट्रेडिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है. सेम एज बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं. बैंक निफ्टी का अगर वीकली कैंडल अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी का अगर आप वीकली देखोगे तो ये पूरा रिट्रेस हो चुका है. ये जो पूरा कैंडल था 30,800 टू 36,800 बरर ऑलमोस्ट 6,000 का जो रेंज का एक ही वीक में कैंडल बना था वो ऑलमोस्ट रिट्रेस हो चुका है, ठीक है. और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी एक डबल बॉटम टाइप हम लोग देख सकते हैं वीकली में. और फिर वीकली में एक अच्छा वीकली क्लोजिंग अच्छा नहीं है. वीकली कैंडल जो भी कुछ है वो पूरा रिट्रेस होके फिर यहाँ से एक बाउंस बैक दिया जो एक्सपेक्टेड था. ये जो बाउंस बैक था यहाँ पे अगर मैं एक वीकली कैंडल पे अगर दू ये जो बाउंस बैक था यहाँ से एग्जैक्टली बाउंस बैक दिया. या यहाँ पे आप सपोर्ट जोन भी ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ पे है ये एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया जोन था. ये पूरा रेंज जो था वो तो ये सपोर्ट से भागा है. तो वीकली वाइज बुलिश लग रहा है मुझे. वीकली वाइज डेली वाइज में देखो अभी आपको पता चलेगा. ये तो जोन था, ठीक है. ये जोन से बाउंस होना एक्सपेक्टेड था क्योंकि एक ही दिन में 1800 पॉइंट्स की गिरावट आ चुकी थी उस दिन. और ये जोन के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लिया था जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में. दिस इज अ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है. ये जोन को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ. देखो ये एनालिसिस आपको भी सीखने आना चाहिए. दीज आर द बेसिक एनालिसिस. फिर एडवांस एनालिसिस हम लोग मेरे प्राइस एक्शन के कोर्स में मैं बताता हूँ कि ये एनालिसिस को सेटअप में कैसे कन्वर्ट करें. प्राइस एक्शन तो बहुत सिंपल होता है. फिर यहाँ पे सपोर्ट के बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल्स बना और फिर बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे गया. और फिर कल भी मैंने बताया था कि ये बुलिश कभी होगा, ये सारे लेवल्स क्रॉस हो गए तभी. मतलब 32,350 का लेवल मैंने बताया था कि वो 32,350 के यहाँ पे अगर कैंडल जाता है ये कैंडल तो देखो ना ये कैंडल का ही क्योंकि ये बहुत सारे जो पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट था रेजिस्टेंस वो सपोर्ट जो था वो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है. और वहां पे एज एग्जैक्टली डॉट टच करके आ गया. तो मंडे का एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अगर मंडे डायरेक्टली अगर गैप अप होता है इसके ऊपर तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश बोलेंगे टिल 32,300 तक. मतलब एक ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का रैली अपसाइड पेंडिंग है क्योंकि ये जब तक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट में है ये ट्रेंड लाइन को. मतलब अगर एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे आ भी गया तो दैट विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी. अनलेस एंड अनटिल ये लेवल के अगर नीचे आता है तो हम लोग एक शॉर्ट करके चलेंगे. ये लेवल के नीचे आता है तो ये लेवल के नीचे तो ये अभी एक शॉर्ट रेंज बना रहा है लास्ट 2 डेज में. तो एक अवॉइड ट्रेडिंग अगर करोगे तो बेटर है. आइदर इसके नीचे शॉर्ट करो. अल्ट्रा शॉर्टिंग हम लोग बोलेंगे एकदम स्ट्रॉन्ग बेरिश वो मतलब ये कैंडल के नीचे ही. तो ये कैंडल के नीचे डायरेक्टली यही रीजन है मेरा 28,000. मतलब डायरेक्टली 2,000 पॉइंट्स का रैली. यहाँ पे भी एक रीजन है 29,000 और यहाँ पे एक रीजन है 30,000. तो
दीज आर द माइनर सपोर्ट, बट डायरेक्टली मेजर सपोर्ट 28,000 है, बड़ा गिरावट देख सकते हैं। अभी वो कोरोना के केसेस कैसे हैंडल होते हैं ये आने वाले वीक्स में महाराष्ट्र में मुंबई में, वो आपको देखने के बाद, क्योंकि सेंटिमेंटल नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, और मार्केट जो है वो सेंटिमेंटल पे बहुत ज्यादा चलता है रादर देन टेक्निकल। टेक्निकल इसके बाद क्योंकि न्यूज बेस है ना, पार्टिसिपेशन मोर देन, बहुत सारे पार्टिसिपेशन, तो हर एक का सेंटिमेंटल क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द लेवल्स, ये लेवल्स देख के आपको काम करना। देखो मैं यहाँ पे डेली आपको लेवल्स दिखाता हूँ, आई नो कि बहुत जन को ये अच्छा नहीं लगता, उनको सिर्फ बाय या सेल चाहिए, बट आपको अगर लॉन्गर टर्म अगर रहना है तो ये लेवल्स कैसे आते हैं वो समझना बहुत जरूरी है, तो ये आप सर्वाइव हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।